सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूरे और पूरे देशवासियों को, मेरे जो ब्लॉग देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये ब्लॉग तो आप लोग कुछ दिन बाद देख रहे होंगे, लगभग 2-4 दिन बाद देखेंगे, तो कोई नहीं। तो आज आज जो रैली वैली निकल रही है थोड़ी बहुत, मतलब मार्केट में हर स्कूल स्कूल के निकल रही है, हर घर तिरंगा का नारा है। देखते हैं सब घर में तिरंगा लगा हो तो शाम को जाएंगे मार्केट तो देखेंगे। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो गाइस नाश्ता पानी हम लोग हो चुका है डन, तो कुछ रैलियां निकल रही हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आप लोग को कुछ रैलियां दिखाते हैं। और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा है, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। देखते हैं पानी भी बरसता है, बहुत कम ही चांस है, लेकिन मौसम अच्छा बन रहा है, मतलब धूप छाए हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर छाए ही है। चलिए आप लोग को पहले रैली दिखाते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं आप लोग, रैली निकल रही है, जैसे कि सुबह से बहुत रैली निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो ये रैली आप लोग देखिए, इसके बाद आपको दिखा रही है। जैसे हवा बहुत जोर से चल रहा है, पूरा बारिश का बादल घेर रहा है, मतलब बारिश तो लग रहा है होकी आज चमके। यहाँ पे गाइस एक और रैली जा रही है इधर से, हमें लगा वही वाली नहीं है, दूसरी है, मुझे लगा पहले वही है, लेकिन ये दूसरी हुई है, पैदल जा रहे थे। हाँ तो गाइस थोड़ी बहुत रैली मैं आप लोग को दिखा लिया, वैसे बहुत रैली निकली, स्कूल के बच्चों बच्चों की भी रैली निकल रही थी, और कुछ गाड़ियां से गई, कुछ डीजे, बहुत रैली निकली, मतलब बारिश भी होने लगी, तो कुछ रैली कम भी हुआ था, थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ था, तो रैली भाई साहब बहुत हुई है आज। तो अब चलते हैं लंच करने, और लंच में देखते हैं क्या बना है, आप लोग को भी दिखाते हैं, और शाम को चलेंगे देखते हैं मार्केट का क्या हाल है, तिरंगा हर जगह फैला रहा है कि नहीं। हाँ तो कुछ खाना हम लोग का आ चुका है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, दाल है, भिंडी की सब्जी है, और साथ में आलू मटर की सब्जी है, और साथ में चावल और रोटी है। तो चलिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, मैंने टीवी भी चला लिया है, और अब इस ब्लॉग को शाम से ही कंटिन्यू करेंगे, जब चलेंगे मार्केट में आप लोग को दिखाएंगे तब। हाँ तो गाइस शाम के अभी बज रहे हैं 5, और मैं आया हूँ अपने छत पे तिरंगा लेके, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ झंडा कहाँ कहाँ लगा छत से अपने, मतलब अपने मोहल्ले वहल्ले में और बाजार में, तो अभी जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। तो पहले अपने आप लोग को छत से दिखाता हूँ कि तिरंगा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे छत का तिरंगा है, और प्लस एक ऑरेंज कलर का झंडा है तो फिक्स है, और सामने विशाल मार्ट पे देख सकते हैं ऊपर कहाँ पे, उधर देख सकते हैं जूम मैं कर रहा हूँ, उधर साइड एक तिरंगा लगा है, एक ऊपर लगा है इधर साइड, उधर ही दिखा होगा आप लोग को, बगल में भी लगा है, इनके यहाँ भी लगा है, इनके यहाँ भी, मतलब हर जगह आप लोग देख सकते हैं तिरंगा, आप लोग को दिखेगा ही दिखेगा, हर जगह पे तिरंगा लगा हुआ है। तो गाइस हर जगह पे झंडा लगा, आप लोग मंदिर पे भी देख सकते हैं झंडा लगाए हैं हम लोग, सामने मंदिर है विशाल मार्ट, मतलब हर जगह पे आप लोग देख सकते हैं, और भी मार्केट में भी चलेंगे वहाँ पे भी आप लोग को दिखाएंगे, और यहाँ पे झंडा हम लोग का शान से लहरा रहा है। और गाइस आज सुबह से ही हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज, मतलब भगवान भी चाहते हैं आज हम लोग का झंडा लहरा है, देख सकते हैं जैसे पीछे पेड़, हवा आज बहुत स्पीड में चल रही है सुबह से ही। गाइस आप लोग हवा की स्पीड देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत तेज चल रहा है, उड़ा जा रहा है बाल बाल, झंडा भी इस समय बहुत अच्छे तरीके से लहरा रहा है, और मज़ा आ रहा है भाई साहब आज, आप लोग पूरा मस्कन बाजार का व्यू मेरे पीछे से देख सकते हैं, गजब का लग रहा है यहाँ से, सामने वी टू मार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं मार्केट, और आप लोग को दिखाते हैं झंडा कहाँ कहाँ लगा है, वैसे थीम तो था हर घर तिरंगा, देखते हैं हर जगह लगा है कि नहीं, उसके बाद जा रहे हैं हम लोग मैच खेलने, तो हो सकता है कुछ वो भी आप लोग को दिखा दें।
हाँ तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गाड़ी पे भी हम लोग ने तिरंगा लगाया हुआ है, और यहाँ पे हर घर पे आप लोग देख सकते हैं तिरंगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, मतलब जिसके पास जैसा जो था वो लगाया है, हर घर पे तिरंगा आप लोग देख सकते हैं। मतलब आप लोग इतना तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ हर घर पे लगाया भाई साहब, अभी तक तो मुझे देखने में जहाँ तक आया है। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मस्कनवा के चौराहे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं झंडा एक दो जगह मैं और देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हर जगह झंडा लगा हुआ है। चरण झंडा देख के कितना तेज लहरा रहा है यहाँ पे गाइस। हाँ तो गाइस मार्केट से हम लोग घर पे आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा हर घर पे तिरंगा, मतलब ज्यादातर मोस्टली हर घर, क्या हो गया लाइट गई थी एक बार, मोस्टली हर घर पे तिरंगा ही था मैंने देखा ज्यादातर। तो हम लोग फिर मैच वैच भी खेले, मैच तो ऐसे ही ड्रॉ हो गया क्योंकि अंधेरा हो गया था, एक मैच भी पूरा नहीं हो पाता है भाई, बहुत यहाँ पे बवाल भी होता है मैच में, मतलब मैच ड्रॉ हो गया वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, अभी टाइम हो रहा है 7:45 बजे हैं, तो अब घर पे बना है लिट्टी चोखा, तो जब वो आएगा तो आप लोग को दिखाएंगे कैसा है खाने में। तो गाइस अभी मैं अपने गाड़ी में बैठा हूँ, आशुतोष गया मैक्रोनी लाने, तो अभी हम लोग मैक्रोनी की दुकान पे हैं, तो चलिए जब मैक्रोनी आता है तब आप लोग को दिखाते हैं कैसे है भाई। मस्कनवा में आया मैक्रोनी भी ना खाया, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, बहुत दिन हो गया उसका मैक्रोनी नहीं खाया, तो इसके बाहर ही हम लोग खड़े हैं, तो मैक्रोनी आता है तो उसका टेस्ट बताते कैसा है। हाँ तो गाइस हम लोग माइक्रोनी खा चुके हैं, माइक्रोनी थोड़ा सा तीता लगा, इसको भी तीता लगा, मुझे भी थोड़ा सा मतलब तीता लगा, तो अब आए अपने रॉयल इंडियन के पास चाय पीने, तो चलिए गाइस चाय पी के आते हैं और फिर इस ब्लॉग को घर से ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि घर पे तो आप लोग को पता ही है क्या बना है, लिट्टी बना है, तो इस ब्लॉग को फिर घर से ही कंटिन्यू करते हैं। लाइट का व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं ना, क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतना लाइट है नहीं, इसीलिए देख सकते हैं गाइस बंद कर दिया। चलिए गाइस चाय पी के आते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रॉयल इंडियन पोस्ट में, और यहाँ पे मजा ले रहा है मेरा, रॉयल इंडियन पूल में पहुंच चुके हैं, तो चलिए चाय पी के और फिर आते हैं, फिर घर पे ही मिलते हैं, घर पे बिना लेते, लेकिन हम लोग का मन माना नहीं इसलिए आ गए फिर से। हाँ तो वैसे चाय हम लोग का हमेशा की तरह देख सकते हैं बिल्कुल वैसा के वैसा, आज हम लोग नमकीन भी मंगाते हैं, तो वैसे हम लोग का नमकीन भी यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए इसको जल्दी से खा के फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो गाइस चाय हम लोग ने पी लिया है और अब हम लोग चले अपने घर की ओर, क्योंकि इसके भी घर से फोन आ चुका है और मेरे भी घर से फोन आ चुका है, और आज हम लोग चाय के साथ नमकीन भी ट्राई किए भाई, आखिरी बचा था चाय ना, आखिरी दो चाय था, लेकिन वो भी यार एक नंबर था यार इनका चाय भाई, आप लोग एक बार जरूर पीजिएगा, मनकापुर और भवनान के बीच में है, मतलब मस्करवा में ही पड़ेगा लेकिन मनकापुर भवनान रोड पे के बीच में पड़ता है, तो आप लोग आइएगा तो जरूर पीजिएगा। तो चलिए गाइस घर पे चलते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस घर पे आते ही शॉप पे आए, यहाँ पे टिकिया रखा था तो भाई रहा नहीं गया था, हम लोग ये भी खा लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस टिकिया भी एक नंबर है, इसके बाद चलते हैं भौरी खाते हैं। तो फाइनली गाइस अब टाइम हो गया भौरी खाने का, भाई खाओ 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 कब से हो रहा है, पेट भर गया इसलिए मैंने तीन ही भौरी लिया, देखते हैं कभी खा पाऊंगा कि नहीं, और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है भाई साहब, देख सकते हैं अंदर सत्तू वत्तू सब कुछ भरा है, क्योंकि हम लोग भरा ही खाते हैं, सादा मुझे इतना पसंद है नहीं, तो भाई अंदर सत्तू वत्तू सब कुछ भरा है, और टेस्ट मैं आपको क्या ही बताऊँगा यार, घर का है तो अच्छा ही होगा। चलिए इसको फिनिश करते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, देख सकते हैं गाइस सत्तू वत्तू अच्छे से भर गया। हाँ तो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका है हम लोग का डन भाई साहब, माइक्रोनी चाय नमकीन डबल टिक्की प्लस 3 लिट्टी, अरे भाई साहब पेट एकदम डामाडोल हो चुका है। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग इंडिपेंडेंट डे का, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब टाइम हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बोले बिना क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।